नमस्कार प्रणाम मैं खेसारी लाल यादव आप सबका बेटा आप सबका भाई आप सब भोजपुरी के जितने भी देवता रूपी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं उनका पैर के प्रणाम कर रहा हूँ और आज बड़ी दुख के साथ मुझे लाइव आना पड़ रहा है आज से कल मैं वैशाली जिला में एक शो करने गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथराव मेरे ऊपर हुआ और ये मेरे बड़े भाई सुधीर सिंह जी आज पोस्ट किए हैं कि मैंने अश्लीलता के खिलाफ आगाज कर दिया मैं आपके अश्लीलता के विरोध में नहीं हूँ मैं भी समर्थन में हूँ कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए लेकिन आपको अगर मुझे मारना ही है तो भाई मुझे आप बुला लीजिए मुझे और मुझे अपने बीच में मार दीजिए ना मेरे वजह से कुछ पब्लिक को मेरे जनता को जो मुझे मोहब्बत करती है आप आज आप फेसबुक आईडी पर अपने डाले हुए हैं कि मैंने अश्लीलता के विरोध आगाज कर दिया है मैं एक जादू समाज का बेटा हूं एक गरीब परिवार का बेटा हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है यार मैं आगे बढ़ गया तो इसके इसमें मेरी क्या गलती है मैं मेहनत किया और मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे जाति के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं सिर्फ़ मेरे जाति के नहीं हर जाति के लोग और आप कह रहे हैं कि अश्लीलता का आगाज कर दिया मैं जहाँ भी सो करने जा रहा हूँ भाई लोग मैं आज दुख से आ रहा हूँ कल मेरी हत्या हो जाती कम से कम 200 पत्थर मेरे गाड़ी पे चले हैं एक भी शीशा बचा नहीं था सिर्फ मेरे गाड़ी पे और वहाँ पे इनके समाज के लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारे समाज के वहाँ लोग थे और राजपूत समाज के लोग भी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं लेकिन मेरे वजह से यार वहाँ पब्लिकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरे पब्लिक जो मुझे मोहब्बत करती है मुझे देखने आती है उसमें हर समाज के लोग होते हैं कुछ अपने समाज के लोगों को राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिलाकर और ये मेरा हत्या कराने के हर जगह ये मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं जे मैंने आगाज कर दिया क्या साबित करना चाहते आप बोल रहे हैं जे गरीबी का ढोंग रच रहा हूँ मैं जतियता कर रहा हूँ मैं जतियता क्यों करूँगा एक कलाकार का कोई जाति नहीं होता सुधीर भैया आप मेरे बड़े भाई की तरह मैं आपको हमेशा सम्मान देता हूँ मेरा हत्या करा दीजिए आप, आपको लगता है ना कि मैं आपके कांटा हूँ आपका सबसे बड़ा आप मुझे मार दीजिए लेकिन अकेले मारिए पब्लिक के भीड़ का सहारा मत लीजिए मुझे अपने पब्लिक पे विश्वास है और जिस चुनाव की आप बात करते हैं ना ये आपको पब्लिक जवाब जरूर देगी जो मैं एक सरस्वती का पुत्र हूं और मैंने कभी किसी का गलत नहीं कहा आज मैं रो रहा हूं ना तो सिर्फ मेरे सामने पब्लिक कई पब्लिकों का सर पटा मेरे, मेरे साथ लड़के गए थे देखने मेरे साथ गाड़ी लेकर गए थे सारे लोगों की गाड़ी के शीशा तोड़वा दिया सबसे ज्यादा जिस गाड़ी में मैं बैठा था उस पर तो बम चल रहा था भीड़ में मेरी हत्या मत कराइए ये, ये साजिश मत रचिए भीड़ में कि मैं अश्लील गाता हूं मैं कहा अश्लील गा रहा हूं यार आप अश्लील का टेक देकर आपको बहाना मिल गया है कि, कि सारी अश्लील गाता है अश्लील गाने वालों का डेली शो हो रहा है वहां हंगामा क्यों नहीं करा रहे हैं आप अपनी व्यक्तिगत मुद्दे को अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को भीड़ का आड़ लेकर अश्लीलता का आड़ लेकर दुनिया को क्यों भड़का रहे हैं अपने अपने समाज के लोगों को मेरे विरुद्ध आपने तो मुझे पाकिस्तान साबित कर दिया है आपके समाज के लोगों को अब यही रह गया है कि यादव समाज का बेटा कहीं गाएगा तो बस राजपूत समाज के लोग उसको गाने नहीं देंगे राजपूत समाज के बेटा गाएगा तो यादव समाज के लोग गाने नहीं देंगे ऐसा मत करवाइए आप कलाकारी में आप जातिवाद मत करिए भैया, प्लीज और इसको अश्लीलता का ठीक मत लगाइए आज आप अश्लीलता का टेक लगाकर आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे से क्यों मत निकालिए आपका फेसबुक का टेक आज मुझे मैं ठीक था मैं आ रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है मैं नहीं देखता फेसबुक प्लीज मैं आप सबसे अब आप ही लोग इंसाफ करिए मैं कुछ नहीं और मुझे चुनाव नहीं लड़ना यार मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूं मुझे तो मेरी जनता ने मेरी भगवान स्वरूप जनता ने मुझे तो इतना बड़ा बना दिया है कि मैं पचास एम का एक पावर रखता हूं इस जनता के बदौलत मुझे एक महाराजगंज के चुनाव लड़ने से मेरी जीवन नहीं चलेगी और मैं क्या चुनाव लड़ूंगा आप लोग क्या मुझे तो तोड़ दिए आज आज तो आपने तोड़ दिया मैं आपके आपके ही विधानसभा का बेटा हूं ना मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मत करिए ऐसा मुझे चालीस सीटा लगा इधर मेरा पूरा बॉडी सूज गया है आप ऐसे मत करवाइए चलिए बाकी ठीक है लेकिन मैं बस जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरा हत्या हो सकता है भीड़ के आर में आदमी मेरा हत्या करा सकता है जिस हिसाब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरा हत्या हो जाएगा मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सरकार कि मैं भी जब भी बिहार जाऊं तो प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए नहीं तो मेरा हत्या कभी भी हो सकता है कल जिस हिसाब से पथराव मेरे सर पे हुए हैं सिर्फ मेरा सर बचा है क्योंकि दो लड़के पूजे कभर किए थे फिर भी इतना ईटा पत्थर चला है कि कम से कम दो से तीन बोरा ईटा मेरे गाड़ी में था आप अश्लीलता का टेक देकर दुनिया को मुझे गुमराह मत करिए कितने लोग गाते हैं यार लेकिन सिर्फ खेसारी ही आपका दुश्मन क्यों बना हुआ है खेसारी है क्यों मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपके लिए कभी कुछ गलत सोचा हो मैंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ अपने जनता के मनोरंजन के बारे में सोचता हूं आप लोगों से हम कलाकार लोग हैं भैया हम लोग बड़े कोमल दिल के होते हैं हम दिल से दुनिया से जुड़ते हैं हमारे अंदर मकारी नहीं होती है मुझे माफ कर दीजिए आप लोग प्लीज शायद अगर बच्चे नहीं होते तो आज शायद खेसारी लाल यादव जिंदा नहीं होता कल मारा गया होता और आपसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अब ये इंसाफ पब्लिक ही करेगी और ये जनता आपको जवाब आप तो देगी ही देगी ऐसा नहीं कि नहीं देगी आप लड़िए जितना चुनाव लड़ना है सब चुनाव लड़िए मुझे नहीं लड़ना यार मुझे महाराजगंज नहीं चाहिए मुझे हर जिला के लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है मुझे हर जिला से मोहब्बत है मुझे हर जिला में रहना है हर जिला के लोग का बेटा हूं मैं हर शहर का बेटा हूं मैं मैं बहुत खुश हूं यार आप मेरा पर्सनली नुकसान करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप उसमें पब्लिक का भी नुकसान करवा रहे और सिर्फ आपके समाज के लोग थे जितने थे और इर्द गिर्द और ईटा लेकर सब बैठे थे पहले से पहले जनरेटर का तार काट दिया साउंड तोड़ दिया और उसके बाद हंगामा किया जब साउंड तार लाइट काट देगा कोई और साउंड बंद हो जाएगा तो मैं कैसे गाऊंगा यार और उसके बाद उसके आड़ में आप ईटा चलवा रहे हो जब ईटा चलती है ना तो उसमें यह नहीं देखती है कि वो किस जाति पे लग रहा है यादों को लग रहा है कि वो मेरे राजपूत भाई को लग रहा है कि मुसलमान भाई को लग रहा है कि किस जाति को लग रहा है ये कोई नहीं जानता ईटा जात देख नहीं चलता है और जात देख नहीं नहीं वार करता है मैं दो दिन से खाना नहीं खाया हूं यार 24 घंटे से सोया नहीं हूं मैं आज आपने मुझे बहुत ज्यादा हट किया है आपको लड़ना है आप लड़िए यार मुझे नहीं चाहिए सब कुर्सी का मूल मुझे नहीं है लेकिन किसी को तकलीफ देकर कुर्सी मत लीजिए मैं महाराजगंज से हूं इसमें ठीक है मैं नहीं आ रहा हूं आप बिंदास चुनाव लड़ो यार मुझे नहीं आना है लेकिन प्लीज उसमें जनता का मेरे प्रोग्राम को मेरे शो को बर्बाद मत करिए उसमें जनता का नुकसान मत कराइए ये तीन चार बार हो गया मेरे साथ मैं सोच रहा था कि हो सकता है पब्लिक का मूड है पब्लिक प्रॉब्लम कर रही है लेकिन आज आपका टेक आप अपने फेसबुक पे जो टेक किया है उससे समझ में आ गया आज ये कौन कर रहा है कोई नहीं बस मैं अपने जनता को भगवान मानता हूं ये भगवान हर जाति के जो भगवान मेरे चाहे वो यादव जाति से या राजपूत जाति से सब मेरे लिए पूजनीय है मैं सबका पैर छू रहा हर जाति को मैं अपना आदर्श मानता हूँ हर जाति को अपना भगवान मानता हूँ मेरे अंदर जात पड़ता नहीं है मैं हर जाति का बेटा हूं बस बेटा बन के रहना चाहता हूँ नेता बन के नहीं मुझे शक्ति आप लोग देते हैं मुझे पूरे वर्ल्ड में छह नंबर पर चुना किसने आप ने चुना चौबीस वीक में मुझे नब्बे करोड़ लोगों ने सर्च किया किसने आपने खेसारी के हर गाना को खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड तक को अपने सब्सक्राइब कर करके आज मुझे इतना बड़ा बना दिया हर जगह आप जब मेरा गाना रिलीज होता है तो लोग मुझे प्यार देते हैं इसमें मेरी क्या गलती है अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो एक दिन में इतने सारे लोग कैसे देख लेते हैं इसका मतलब जनता ठीक नहीं है जनता अश्लील सुनना चाहती है मैं अश्लील गाता हूं इसलिए एक दिन में चालीस लाख लोग देखते हैं एक खेसारी गलत क्यों यार बहुत सारे लोग गा रहे हैं एक खेसारी के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप आपको अश्लीलता बगाना है तो आप धरना पे बैठिए मैं भी बैठूंगा आपके साथ आपका भाई छोटा भाई भी बैठेगा आपका सपोर्ट कर रहा हूं मैं कि मैं आपके साथ हूं भैया कि प्लीज मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूं आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे जनता को प्रॉब्लम जनता का सर फटे मेरे लोगों को तीन गाड़ियों का शीशा तक बचा है और मेरे गाड़ी पे तो कुछ नहीं बचा है मैं नहीं भागता तो शायद मैं कैसे कैसे भागा खेता खेती भाग के आया हूं मैं मेरे चार लड़के और मैं खेता खेती दौड़ दौड़ के मेरा जूता चप्पल सब छूट गया मैं कैसे कैसे भागा हूँ वहां से आप ऐसा मत कराइए अपने समाज के लोगों से आपके समाज हर आदमी तो गलत नहीं हो सकता मुझे भी पता है आप कुछ लोगों के आपके चंद लोग हैं जो फेसबुक पे मुझे जो भी मैं गाना गाता हूँ उसके में गाली ग्लोज भरते रहते हैं लिखते रहते हैं प्लीज भैया अगर आप किसी का किसी को प्यार नहीं दे सकते तो किसी का विरोध भी मत करिए उसको गाली भी मत दीजिए अगर आप सम्मान के सारी को नहीं दे सकते तो मैं आपसे सम्मान की इच्छा भी नहीं रखता कि आप मेरा सम्मान करेंगे मुझे माफ करिए मैं अगर कोई गलती किया हूं आपके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे ऐसा मत करिए मुझे मुझे दुश्मन मत बनाइए मेरे जनता को मुझे बहुत प्यार करती है मेरी जनता वो जब आप देखिए आपको मुझे पता है देखिए आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं आपके समाज के कुछ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे गाली दिलवा रहे हैं गाली दे रहे हैं मैं अगर किसी का मदद भी कर रहा हूं उसको भी चुनाव का और राजनीति मोड़ देते हैं कि हाँ इसमें भी राजनीति बस बाकी कुछ नहीं आप मेरे शो में पहले लाइट कटवा देते हैं लाइट कटेगा तो साउंड बंद होगा साउंड बंद होगा तो हंगामा होगा मत करिए आप लोग सम्मानित हैं हर जाति के लोग मेरे भगवान हैं मैं तो उनको मानता हूं, मेरे लिए कोई जात दुश्मन नहीं है अगर दुश्मन होता तो आज खेसारी लाल यादव यहां तक नहीं पहुंचता और इतनी प्यार आप लोगों ने दी है उसका सम्मान पूरे जीवन करूंगा मैं बस इसी बानी के साथ बाकी कुछ नहीं बोलूँगा बाकी जनता है सब हिसाब इसके पास रहता है और मैं प्रशासन से कहूँगा कि प्लीज मैं जब भी बिहार आता हूँ तो मेरी मदद करें नहीं तो शायद मेरा हत्या हो सकता है बस आपका बेटा एक लिट्टी बेचने वाला एक गरीब का बेटा आपका बेटा नमस्ते